श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें, जहां पूजन कर रहे हैं जब थाली से पूजन पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, दो चार बूंद, आठ बूंद, पंद्रह बूंद, बीस बूंद, एक किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव हो। कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है, ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जिस जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वाला पाठ करो, तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सिंचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।